तो दोस्तों आपके मन में यहाँ पर सवाल होगा कि जब भी यहाँ पर हम नया फोन लेने जाते हैं तो नया फोन लेते समय हमें यहाँ पर जो कलर वेरिएंट दिखाए जाते हैं ब्लैक व्हाइट अलग अलग कलर वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग प्राइस की होता है। डेफिनेटली क्या यहाँ पर कंपनी को जो कॉस्ट लगती है अलग कलर बनाने के, जैसे ब्लैक की कम कॉस्ट लगी या ज़्यादा कॉस्ट लगी, व्हाइट की कम लगी या ज़्यादा लगी, तो क्या वो रियलिटी में असल में वहाँ पर आपको उनको कॉस्ट ज़्यादा लगती है या फिर आपसे यूं ही एवे ही आपको यहाँ पर पैसे ले लेते हैं फोकट में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर कंपनी को कॉस्ट लगती है या नहीं लगती, और आपको यहाँ पर कलर वेरियंट में क्या क्या यहाँ पर चेंजेस सारी इन्फॉर्मेशन है ना देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फोन्स या ईयरफोन कभी कभी आपको यहाँ पर कलर के हिसाब से कम प्राइस के हिसाब से देखने का मिलते हैं, कोई दूसरा कलर यहाँ पर ज़्यादा प्राइस का देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसका आंसर एक ही शब्द में दूँ तो यहाँ पर कंपनीज को ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर डिटेल में जाननी है तो वीडियो देखते रहिए। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर जब भी कोई कलर वेरियंट बनाती है, जैसे ब्लैक कलर बनाया, व्हाइट बनाया, नॉइस बनाया, नॉइस ब्लू, नॉइस ब्लू, नॉइस ब्लैक, जाने कौन कौन से कलर यहाँ पर आते हैं, नेवी ब्लू, मतलब इन सब के कलर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कलर आने के बाद बेसिकली क्या होता है कि मार्केट देखा जाता है कौन सा कलर का फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है तो उसको यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर दी जाती है। बेसिकली यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उनकी कि यार ये फ़ोन डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है ना वो यहाँ पर लागू होता है कॉमर्स के हिसाब से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई के हिसाब से सारी चीज़ें प्राइस बढ़ा दी जाएगी। प्राइस बढ़ा दी जाएगी तो यार जिसको लेना होगा ना ब्लैक की डिमांड होगी, जिसे ब्लैक चाहिए होगा ब्लैक इसी वजह से लेते हैं क्योंकि ब्लैक नंबर वन प्रायोरिटी होती है सभी की यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी है ना उसी हिसाब से ब्रांड डिजाइन करती है कि यार ब्लैक गंदा कम होगा। और यहाँ पर कंपनीज को यह भी फायदा होता है कि यार इस फोन की डिमांड ज्यादा है, इस फोन की डिमांड कम है तो उस फोन के मैन्युफैक्चर भी कम हो जाएगी, उस फोन की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाएगी, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी रेवेन्यू होगा। बेसिकली यहाँ पर जिसको लेना है ना फोन वो लेना झक मरा के उसको लेना ही पड़ेगा। चाहे ब्लैक 500 रुपये महंगा कर दो या ज़्यादा तो महंगा नहीं करेंगे, 500, 300, 400, 500 के अंदर ही यहाँ पर प्राइस इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उनको भी यहाँ पर बेसिकली लॉस खाने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, मैं तो यहाँ पर ज़्यादा कलर को मैटर नहीं करता, क्या यार थोड़े दिन तक कलर देखेंगे उसके बाद यहाँ पर अपने काम से काम रखते हैं सारे के सारे। मेन चीज़ें अपना वर्क परफॉर्मेंस सारी चीज़ें होनी चाहिए, कलर वेरियंट ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेन चीज़ें परफॉर्मेंस, कैमरा डिस्प्ले, यहाँ पर सारी चीज़ें मैटर करती है। फ़ोन का अंदर का कलर यहाँ पर एक बार देख लिया सबने, दिखा हुआ एक बार कर दिया हमने सबको, लेकिन बार बार वो कलर थोड़ी ना देखेगा, लुकिंग वुकिंग सारी चीज़ें बेसिकली यही मैटर करती है मेरे लिए। तो दोस्तों इसी का फायदा यहाँ पर कंपनीज उठाती रहती है, यहाँ पर कस्टमर को पागल बनाती रहती है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ही उसे यहाँ पर हाइप पर पहुँचा देते हैं। कुछ भी चीज़ हो यहाँ पर जनता ही करती है, हम सब ही करते हैं, यहाँ पर मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरे व्यूअर सारे चीज़ें यहाँ पर मैं भी कुछ फ़ोन परचेज करूँगा, यार 500 रुपये तो ज़्यादा लग रहे हैं, ले लेता हूँ ये कलर, यार क्यों लें। लेकिन यहाँ पर कंपनी हमें यहाँ पर सारी चीज़ें करी, हम यहाँ पर कवर ले सकते हैं बेसिकली, यहाँ पर उसमें लेमिनेट करा सकते हैं पीछे का, वो सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव से उनके ढूंढ सकते हैं। कंपनीज को क्यों हम यहाँ पर अपने आप को कटना दें? एक तरह से देखा जाए तो कंपनी हमारा ले रही है और हम यहाँ पर उन्हें दे देते हैं बेसिकली। यहाँ पर एक तरह से माइंड से सोचना चाहिए कि यार हमें डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है कलर की या नहीं है, परफॉर्मेंस काम हो रही है। बेसिकली यहाँ पर बहुत से फ़ोन्स तो ऐसे होते हैं, आईफोन्स या इनमें जाओ तो आपको रोज़ ब्लू, रोज़ ब्लैक, रोज़ गोल्डन, रोज़ ये वाले फ़ोन्स आपको यहाँ पर इनकी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कंपनीज यहाँ पर आईफोन या हुआ या फिर शाओमी हुआ या लो बजट फ़ोन हुआ, कोई सी भी कंपनीज हो, ये इसी का फ़ायदा उठाती है। डेफिनेटली कस्टमर को ये फ़ोन पसंद आ रहा है तो यार इसकी प्राइस बस बढ़ा दो, ये फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है तो इसकी प्राइस ये कर दो। बेसिकली आपको यहाँ पर रियलिटी में भी देखने को मिलता होगा, आपको कभी कभी सेल के दौरान या कभी कभी सेल के बीच में कब सोचते होंगे आप कि इसकी प्राइस तो कम थी, इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो यार मैं आपको यहाँ पर कंपनी, अगर देख रही है वीडियो कंपनी का कोई एम्प्लॉई है जो भी देख रहा है, तो यार एक बार प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कॉस्ट तो वही लग रही है, सारी चीज़ें वही लग रही है, आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर मैंने भी रिसर्च करी है, उसी भी पे मैं यहाँ पर आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपकी क्वेरी यहाँ पर सोल्व हो चुकी होगी कि यहाँ पर कलर जो अलग होता है ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, इनकी प्राइसिंग यहाँ पर आपको अलग अलग क्यों देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।